जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलभरतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणि जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधा करंभा कल्याणम दागनक जंपक धाम्भूषाम उतुंग बिनगुजगंब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यास्नानेभ्यो च। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ओम। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्जल अग्निरूपाय ओम ओम ह्रीं श्रीं ज्वालादेवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वंतमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। कामप्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी कामाख्या कामभीत स्थिता कामभीत निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमत्तस्यै 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 नमो नमः। पापापहारिणीं देवीं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां। ओम ह्रौं जुं सः ओं भूर्भुवस्वः ओं त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वः भुवः भू ओं सः जुं ह्रौं ओं। माँ भगवती जगत जननी और परम पिता परमात्मा आपके कष्ट हरे दुख हरे पाप हरे ताप हरे संताप हरे दारिद्र हरे और संकट हरे। और परम पिता परमात्मा ये कहता है कि तू करता वह है जो तू चाहता है परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। तू वह कर जो मैं चाहता हूँ फिर देखना वही होगा जो तू चाहता है। यह बिल्कुल सत्य घटना है और सत्य है कि मर्जी मनुष्य अपनी मर्जी से करता चाहता है मनुष्य अपनी मर्जी से चलना चाहता है परंतु वो उसको मनुष्य को अपनी मर्जी से नहीं चलने देता है। और जो मनुष्य उसके हिसाब से चलने लगता है तो फिर ईश्वर भी मनुष्य के हिसाब से चलने लगता है। एक बार प्रैक्टिकल करके देखो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। तंत्र के विषय में यह धारणा है कि तंत्र का उद्देश्य केवल मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण इसके लिए प्रयोग किया जाता है जबकि ऐसा नहीं है। वस्तुतः ब्रह्म से जीव पर्यंत जो आत्मा की अवस्थाएं हैं उनका बोध करना एवं जीव की मोक्ष की प्राप्ति का उपाय बताकर ब्रह्म से साक्षात्कार करना ही तंत्र का उद्देश्य है। परंतु मनुष्यों ने तंत्र का गलत प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया और उसकी वजह से वो मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण षट कर्म करने लगे और वो पूर्णतः गलत है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है निश्चित तौर से उसे कष्ट की प्राप्ति होती है। वह पागल भी होता है। मरते समय उसकी आत्मा बहुत तड़पती है, शरीर में कीड़े भी पड़ते हैं और कई बार तो ऐसी बीमारी होकर के मरता है कि वह भगवान से बार बार मृत्यु मांगता है और उसकी मृत्यु भी नहीं होती है। तो तंत्र का उद्देश्य किसी का मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण करना बिल्कुल भी नहीं है। यह पूर्णतः गलत है।
तंत्र का उद्देश्य परोपकार है। बहुत से यंत्र बनते हैं तंत्र से संबंधित, इसमें त्रिकोण बनता है, षटकोण बनता है, गोल बनता है, और त्रिकोण के मध्य में एक बिंदु होता है जिसे मूल स्थान कहा जाता है। त्रिकोण में तीन रेखाएं होती है, एक वामा होती है, एक ज्येष्ठा होती है, एक रोद्री होती है। ये तीन रेखा ही तंत्र का खेल करती है। इसी प्रकार इसी तीन रेखा में सत, रज और तम, ये तीनों रेखाएं तीन रेखा की घोतक है। जब भी कोई तंत्र किया जाता है या तंत्रात्मक हवन किया जाता है तो वह त्रिकोण होता है। त्रिकोण का तंत्र बनाना चाहिए, गोल तंत्र या चौकोर तंत्र का चौकोर हवन कुंड नहीं बनाना चाहिए। तो वामा रेखा, ज्येष्ठा रेखा और रोद्री रेखा होती है, और ये तीनों रेखा जो है सत, रज, तम की घोतक होती है। त्रिकोणों के संयोजन से ही सृष्टि का निर्माण होता है, और षटकोण वाला हवन कुंड भी होता है। इसकी ये छह अवस्थाओं का घोतक है। एक पहली जो अवस्था होती है उसमें बोलते हैं सृष्टि, दूसरा स्थिति, तीसरा सहार, चौथा निग्रह और पांचवा अनुग्रह और निग्रह। इस तरीके से सृष्टि, स्थिति, सहार, निग्रह, अनुग्रह और निग्रह अनुग्रह दोनों, ये छह अवस्था होती है षटकोण की। सृष्टि, स्थिति और सहार की अवस्था संसार में हमेशा अपन देखते ही रहते हैं कि मनुष्य पैदा होता है और मरता है, और मृत्यु के बाद जीव अंतरिक्ष में विचरण करता है, यह निश्चित है। यह निग्रह अवस्था को प्राप्त करता है जीव जब अपने तपोबल के आधार पर प्रभु के समीप पहुंचता है, तो उसे अनुग्रह अवस्था को प्राप्त करता है। यानी एक मनुष्य मर गया, और मरने के बाद में जब उसकी आत्मा, यदि सात्विक आत्मा रही, तो वह ईश्वर का नाम लेता है। कई वर्षों तक ईश्वर का नाम लेता रहता है, जब तक उसका जन्म नहीं होता है। वह अपना तप करता है, जप करता है, और तपोबल के समीप, तपोबल के आधार पर प्रभु के निकट पहुंचता जाता है, तो उसे अनुग्रह की अवस्था को प्राप्त करता है, और वही आत्मा शरीर में आने का काम करती है, और यही आत्मा है तंत्र से संबंधित इस मनुष्य को ज्ञान देती है। जीव जब प्रभु के लोक या समीप को त्याग कर जब ब्रह्म में विलीन होकर ब्रह्म समान अवस्था को प्राप्त कर स्वेच्छा से सृष्टि सृजन करने चाहे, जब अपना अंशावतार लेकर पुनः स्वेच्छा से अपने ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है, यही निग्रह अनुग्रह अवस्था है। यानी कि जब एक मनुष्य मरता है तब उसकी आत्मा जप तप के बल पर प्रभु के समीप पहुंचता है, और जब प्रभु के समीप पहुंचता है तो वह आत्मा का भी त्याग करके ब्रह्म में लीन होता है, और जब ब्रह्म में लीन हो जाता है तब वह पुनः उसको मनुष्य रूप में या किसी न किसी रूप में आने की इच्छा भाव जागृत होते हैं, तो दोबारा से जब वह यहां पे जन्म लेता है तो उसे ही निग्रह अनुग्रह अवस्था कहते हैं। अतः तंत्र का मुख्य उद्देश्य जीव को ब्रह्ममय बनाने का मार्ग निर्देशन है, न कि तंत्र का उद्देश्य किसी का मारण करना है, किसी का मोहन करना है, किसी का उच्चाटन करना है, किसी का वशीकरण करना है, किसी को परेशान करना है, किसी को बीमार करना है। तंत्र का उद्देश्य परोपकार है, और इस आत्मा का उद्धार करना है, इसे ही तंत्र कहते हैं। तंत्र में मंत्र की भी जरूरत होती है, और मंत्र भी छोटे छोटे मंत्र, कोई जरूरी नहीं कि आप बड़े मंत्र याद करो, छोटे मंत्र बोल सकते हैं तंत्र के लिए। और जिस किसी मनुष्य को जब तंत्र लग जाता है तो उसका संपूर्ण परिवार प्रभावित होता है, उसका भाग्य प्रभावित होता है, उसका क्रियाकलाप, सोचने की शक्ति, पूजा पाठ, पूरा भाग्य बदल सकता है तंत्र के माध्यम से। इसलिए गलत काम बिल्कुल न करें, सही काम करें, और जिन माता बहनों को बच्चे पैदा नहीं होते, तो अधिकांशतः महिलाओं को हमने देखा है कि उनके ऊपर एक तंत्र क्रिया हो जाती है जिसको हम बोलते हैं गर्भ का बंधन। गर्भ का बंधन कर दिया जाता है जिसकी वजह से उसके गर्भ में बच्चे पैदा नहीं होते हैं, या आते हैं परंतु मर जाते हैं, और कई बार उस स्त्री की गलती की वजह से भी तंत्र लग जाता है।
और वो जो अदृश्य शक्ति होती है वह अतृप्त आत्मा उसके गर्भ को पकड़ लेती है और वो बच्चे पैदा नहीं होने देती है, या बच्चे पैदा होते हैं तो उन बच्चों को वो खा जाती है, मार देती है। इसलिए सभी धर्म प्रेमी माता बहनों से, भाइयों से मेरा निवेदन है कि स्वतः तंत्र होने से बचे। परंतु आप आधुनिक हो गए हो, आजकल कहां मानते हो, और नहीं मानोगे तो कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। तो एक तो पेड़ के नीचे कभी भी पेशाब नहीं करें, पुलिया के नीचे जाकर के कभी पेशाब नहीं करें, कोई खाली खेत पड़ा हो तो उसमें कभी पेशाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम वो कोई कच्चा मसान भी हो सकता है, वहां पे कोई बच्चा गड़ा हुआ भी हो सकता है, और उस बच्चे की आत्मा जो वहां पे विचरण करती है वो उस स्त्री को अपनी मां समझ करके उसके ऊपर चिपक जाता है और फिर वो उसी के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करता है और वहीं पर उसकी यहां पलता बढ़ता है अदृश्य रूप से रहकर के। इसलिए ऐसी जगह बैठ करके बिल्कुल भी यूरिन नहीं करना चाहिए, पेशाब नहीं करना चाहिए। और कभी कभी माता बहनों को उनके वस्त्र का टुकड़ा काट लिया जाता है जो उनके विवाह के समय पे पहना जाता है। जब तक हल्दी मेहंदी नहीं उतरती उस समय तक के कपड़े के ऊपर ये तंत्र विद्या हो जाती है और जिसकी वजह से उनकी कोख बांध दी जाती है, गर्भ बांध दिया जाता है, या फिर उन महिलाओं की स्वयं की गलती की वजह से कि नई नई दुल्हन होती है अपने आप को सजाने संवारने में लगी रहती है, सज धज के बाल खुले करके सेंट लगा करके घर से बाहर निकलती है, तो ऐसी अवस्था में अतृप्त आत्माएं उसके ऊपर अट्रैक्ट होती, आकर्षित होती हैं, और जो बहुत ही निर्दय किस्म की आत्मा होती है वह उस आत्मा उस स्त्री के ऊपर चिपक जाती है और उसके पति को या उसको खुद को पता नहीं चलता है और धीरे धीरे वह उसके शरीर को अपने कब्जे में ले लेता है। इसलिए ज्यादा सज धज के भी नहीं निकलना चाहिए, बाल खुले करके तो बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, सेंट नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा गर्भ का बंधन हो जाता है। जब कोई भी स्त्री नई नवेली दुल्हन बनती है तो उसे अपने रिश्तेदार के यहां पर खाने पे बुलाया जाता है, तो रिश्तेदार के यहां के खाने पर भी जो रिश्तेदार आपसे चिढ़ता हो, आपकी प्रगति से रुकता हो, या फिर धन संपत्ति जमीन जायदाद का झगड़ा चल रहा हो, तो कुछ लोग अपने ही वाले कि इनके बच्चे पैदा न हो गर्भ का कीलन करा देते हैं, खिलाई पिलाई कर देते हैं और उसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं आपको ये ज्ञान क्यों दे रहा हूं, ये ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है कि बहुत से घरों में आजकल बच्चे पैदा होना बंद हो गए हैं। बहुत सी माता बहनें परेशान है कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, तो हो सकता है उनके ही परिवार वालों ने कि आपके यहाँ बच्चे पैदा नहीं हो ताकि उनको धन संपत्ति ज्यादा मिल सके, वो इस प्रकार का कृत्य तंत्र के माध्यम से करा देते हैं। तो तंत्र के विषय में जो धारणा बनी हुई है, गलत धारणा बनी हुई, बिल्कुल सत्य भी है कि तंत्र से मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण सब काम करते हैं और जो करते हैं वो भुगतते भी हैं, परंतु अभी तो करके वो आपकी प्रगति को रोक देते हैं, आपके भविष्य को रोक देते हैं, आपके क्रियाकलाप को रोक देते हैं। तो यदि किसी धर्म प्रेमी विशेष तौर से माता बहनों को इस प्रकार की समस्या हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही संपर्क करें, फोन लगाने का प्रयास न करें। 7987237885 ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, इस पे संपर्क करें। यदि आपके शरीर के ऊपर कोई ऊपरी बाधा है, तंत्र बाधा है, जादू टोना है, काला जादू है, खिलाई पिलाई है, जिसकी वजह से आपके यहाँ बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, और यदि आपके भाग्य में लिखा है कि बच्चे होना है, तो आप हमसे संपर्क करें, निश्चित तौर से ईश्वर ने चाहा तो आपके यहाँ पे बच्चे पैदा होना प्रारंभ हो जाएंगे।
जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी, आल्हादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी मधु केट भंती चंड मुंडनाशिनी रक्त बीज विनाशिनी शुंभ निशुंभ मर्दिनी नम्र लोचन सनंत्री सी वाहिनी पापनाशिनी क्लेशनाशिनी सर्वशत्रु नाशिनी सर्व दुष्ट घातिनी सर्व सृष्टिकारिणी परमेश्वरी सत्य विज्ञान स्वरूपा नित्य महामाया कामाख्या आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और सुख दे, समृद्धि दे और शांति दे।